चाषीों पर केन्द्र बड़ घोषणा खरीफ ऋतु पर 17 फसल एमएसपी बढ़ेले केन्द्र सरकार जहाँ एक बड़ खबर आसी पहुंची चाषीों पर केन्द्र बड़ घोषणा खरीफ ऋतु पर 17 फसल एमएसपी बढ़ेले केन्द्र सरकार धान समेत 17 फसल एमएसपी बढ़ाइले सरकार धान क्विंटल पिछा 100 टंका बढ़ावा को केन्द्र निष्पत्ति 100 टंका वृद्धि पर धान मूल्य एवं 2040 टंका हैला मुग प्रति क्विंटल पिछा 480 टंका वृद्धि राशि क्विंटल पिछा 523 और बादाम 300 टंका वृद्धि सूर्यमुखी क्विंटल पिछा 385 टंका बढ़ला 1,26,000 कोटी है कृषि बजेट कैबिनेट निष्पत्ति नहीं सूचना दिले केन्द्र मंत्री अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसी कैबिनेट बैठक 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी और बहुत सारे और कदम इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो 1,00,000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 16,00,000 करोड़ रुपये किसानों को देने की बात हो, कम ब्याज दर पर वो मिलते हैं, यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि जो पिछले कुछ दिन पहले ही एक किश्त जारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की, उसको मिलाकर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम बढ़े उसके बावजूद 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल हम दे रहे हैं, पिछले साल 1,00,000 करोड़ थी तो इस साल 2,10,000 करोड़ हो गई है, यानी कि दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर पर हुई, लेकिन किसानों पर हमने कोई बोझ नहीं पड़ने दिया है। एनी अधिक अपडेट पाई आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सह फोन लाइन रे जोड़ी होती। गगन चाषीों पर खुशी खबर केन्द्र गोटे बड़ घोषणा करीफ ऋतु पर एमएसपी बढ़ाई केन्द्र सरकार केतोटी फसल उपरे एमएसपी बढ़ा जाइछि? देखो निश्चित भाव 17 फसल उपरे वर्तमान जो सहायक मूल्य एमएसपी कहा जाए तापरे वर्तमान बर्धित होती। यदि आप एमाउंट हिसाब से देखिए तेज निश्चित भाव कौटना कौटि जो सिस्टम रही हाएस्ट वृद्धि होती 523 टाँचा। यदि आप परसेंटेज हिसाब से देखिए बाजरा सबुठ हाएस्ट परसेंटेज हिसाब से वृद्धि होती 85%। सेभली भाव में आपड़ धान कथा कहते धानर दुईट जो किसम रही जोटा साधारण धान तार 100 टंका वृद्धि होती और ग्रेड वा ए जोटा को कहुए तार 100 टंका वृद्धि होती। साधारण धान आपन जे देखिबे वर्तमान सहायक मूल्य वृद्धि होला परे 2040 टंका होती और ग्रेड ए र धान जो मूल्य 2060 टंका होती। सेभली आपन जदि बाजरा कथा देखिबे बाजरार 100 टंका वृद्धि होती जोटा कि 85% बोली केंद्र सरकार पक्ष कहु बाजरार मूल्य वर्तमान 2350 टंका होती।